लोकसभा के नेता राहुल गांधी ने हाथरस भागदड़ के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पीड़ित परिवार के सदस्यों ने अपने दिल की बात कांग्रेस नेता से की। परिवार के एक सदस्य ने कहा कि राहुल गांधी ने हमसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब मैंने उन्हें बताया कि चलते समय बाबा ने भक्तों से कहा था कि मेरे चरणों की धूल लो। उनके इतना कहने के बाद लोग उनके पैर छूने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा करते समय वे एक दूसरे से टकरा गए। ऐसा करते एक के ऊपर एक करके गिरते चले गए। जब मेरी माँ घर नहीं लौटी तो हम उनकी तलाश करने लगे, तो वहाँ हमें केवल कीचड़ में लिपटे सब नजर आ रहे थे। राहुल गांधी के दौरे के बाद पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि अपराधी कौन है, तो हमने बताया कि हमारे अनुसार इस घटना के लिए बाबा भोले बाबा जिम्मेदार हैं। भगदड़ के पीड़ित से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है, इसमें कई लोगों की जान चली गई है। मैं इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन की ओर से कमियां रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतम मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे गरीब परिवार से हैं। मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करता हूं कि वे मुआवजे की राशि बढ़ाएं। यदि मुआवजे में देरी होती है तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने मृतकों के परिवारों के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से बात की। परिवार के सदस्यों ने मुझे बताया कि वहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी। हादसे के बाद से वे सभी सदमे में हैं।